नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास बीटेक करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट में अपीयर होना है। ठीक है, तो मैं लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूं और अभी इस समय चैप्टर चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इस पर अब तक 5 वीडियो हो चुके थे, वीडियो नंबर 6 है। आज हम इसके अंदर प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को। वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं आपको सिखा चुका था, बता चुका था, समझा चुका था कि ये क्या होती है। देखिए, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो होती है, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के साथ में समकोण बनाती हैं, पासिंग थ्रू CG ऑफ द एलिमेंट। हम जिस एलिमेंट के लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं उसकी जो सेंट्रल ग्रेविटी है उससे जो ये तीन एक्सिस पास होती हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू CG ऑफ द एलिमेंट। अब देखिए, हम क्या है कि शॉर्ट के अंदर जैसे ये हमने कह दिया एक्स एक्सिस है, ये हमने कह दिया वाई एक्सिस है और ये हम कह देंगे जेड एक्सिस है, या इसको कह देंगे एक्स, इसको कह देंगे वाई और इसको कह देंगे जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों, ये मैंने आइसोमेट्रिक भी बनाया है, आपको लग रहा होगा ये एंगल तो सर ये सारा मिला के 360 होता है, 120 होना चाहिए, लेकिन अपन जब कभी कोई आइसोमेट्रिक भी बनाते हैं इसको इस प्रकार से शो करते हैं। आप इनको यूँ समझ सकते हैं कि वैसे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 ही है। वास्तव में देखा जाए अगर तो क्या होता है कि ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है, एक प्लेन के अंदर है। तो जेड एक्सिस जो होगी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगी और इन दोनों, जैसे देखिए एंगल 90 डिग्री है तो ऐसे ही ये पेन देखिए मेरा, ये जो पेन है ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाला, ये कहलाएगी जेड एक्सिस। तो ये होती है जेड एक्सिस, जो आप ऊपर से देखेंगे ना तो एक पॉइंट नज़र आएगा लेकिन वास्तव में ये एक लाइन है, एक एक्सिस है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। ये तो मैंने आपको तीन एक्सिस के बारे में बताया, ये हर एक में होता है, प्लेन फिगर हो, सॉलिड हो, कुछ भी हो, तीन एक्सिस हमेशा होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, जो हमें सिद्ध करना है वो क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट वाई एक्सिस। आप ये समझिएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और वाई एक्सिस जो है इनके परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से। तो जो दो एक्सिस एक प्लेन में हैं उनकी अबाउट अगर हम निकालें मोमेंट ऑफ इनर्सिया
और उनको जोड़ें तो वो तीसरे जो एक्सिस होती है इन दोनों के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। अच्छा, कई बार हम आई जेड को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वी हैव टू प्रूव दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वेयर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड। तो ये हमको प्रूव करना है। अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। छठा वीडियो है, दूसरा पेज है, तारीख आज वही 8-9-20 है। अब देखिएगा, जैसे मैंने कहीं पर भी कैसा भी कोई एक ले लिया कंप्लीट एरिया, ये कंप्लीट एरिया ठीक है, अब हमें पता करना है कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए मैंने ये बनाई एक्स एक्सिस, ये बनाई वाई एक्सिस। अब अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो प्लेन एरिया है इसका कोई एलिमेंट्री एरिया है छोटा सा, जिसको मैं कहूँगा डी ए। अब ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस है, इट इज़ एक्स एक्स डैस, यानी कि एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैस, और ये है ओरिजिन। तो नेचुरली जेड एक्सिस तो ये होगी ना जो ओ से पास होती है, और बिल्कुल इस आप जो देख रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ना ये वाली, ये होगी जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस से दूरी का मतलब होता है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैंने एलिमेंट्री एरिया लिया है डी ए, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी क्या है, तो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से दूरी को हमेशा वन वाई कहते हैं, आप जानते हैं ना ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है, नेचुरली इसको वाई कहेंगे। और मैं आपसे कहूँ कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाई एक्सिस, इसको हम एक्स कहेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स के पैरेलल होती है, और एक्स के पैरेलल तो हम एक्स ही कहेंगे ना हमेशा। ये हो गया ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्री एरिया है डी ए, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स, और जो जेड एक्सिस है ये उससे डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस ये ओ से होगी, ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से वही जेड एक्सिस से होती है, इस बात को आप पक्का दिमाग में बैठा लें। तो ये जो आर है डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम जेड एक्सिस, तो एक्स वाई एंड आर डिस्टेंस ऑफ डी ए फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई डिस्टेंस ऑफ डी ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड आर डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट एरिया डी ए फ्रॉम जेड एक्सिस। अच्छा, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अगर ये एक्स है तो ये एक्स ही होगा ना, ये एक्चुअली बन गया हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैं इसको एम कह दूँ, इसको एन कह दूँ, तो
और इसको मैं अगर मान लीजिए जी गया दूसरे समय के लिए, तो एन जी और ओ एम बराबर होंगे एक्स के। अब ये जो ट्राइंगल बना है हमारा, ये वाला ट्राइंगल विच इज राइट एंगल ट्राइंगल, और हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे ये जो एक एरिया है इसका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। आई वांट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एरिया फ्रॉम जेड एक्सिस, तो हम कहेंगे आई जेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस मतलब हो गया आई जेड इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये मैंने एलिमेंट्री एरिया लिया था डी ए, तो डी ए, अच्छा ये जो एलिमेंट्री एरिया डी ए है इसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, आर, क्योंकि ओ से जो डिस्टेंस होती है ना वो जेड एक्सिस से ही होती है, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। तो डी ए इंटू आर इंटू आर, ये डी ए इंटू आर फर्स्ट मोमेंट हुआ और ये सेकेंड मोमेंट हो गया। ये एक्चुअली इस एलिमेंट्री जो एरिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट जेड एक्सिस, हमें चाहिए पूरे का, हम इसको समेसन कर ले, इसका समेसन ऑफ डी ए इंटू आर इंटू आर, इसका मतलब समेसन डी ए इंटू आर स्क्वायर, इसका मतलब समेसन डी ए इंटू, अब जो आर स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इम्प्लाइज आई जेड बराबर। अब देखिए एक और कर देंगे, समेसन ऑफ डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर, इट इम्प्लाइज आई जेड इज इक्वल टू। अब देखिए डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, डी ए जो है एलिमेंट्री एरिया है और एक्स डिस्टेंस इसकी वाई एक्सिस से, तो डी ए इंटू एक्स होगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो क्योंकि हमने इसको समेसन किया है ना, इसका और ये पूरा जो एरिया है इसका डिस्टेंस एक्स किससे है वाई एक्सिस से, तो इस पूरे एरिया का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि डी ए इंटू एक्स स्क्वायर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट वाई एक्सिस, तो ये हो गया आई वाई प्लस ये डी ए इंटू वाई स्क्वायर है, ये आई एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो समेसन डी ए इंटू एक्स स्क्वायर जो है ये आई वाई है, और समेसन ऑफ डी ए इंटू वाई स्क्वायर जो है वो आई एक्स है, तो हमने प्रूव कर दिया आई जेड इजिकल टू आई वाई प्लस आई एक्स, इट इम्प्लाइज आई जेड इजिकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और यही हमें प्रूव करना था कि आई जेड जो होता है वो आई एक्स और आई वाई की सम होता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो कहाँ आप देरी करते हैं भाई लाइक और शेयर करने में, जितने ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा उनको भी और आपको भी, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं सेराइन सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास, लगातार मेरे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, इट इज़ माई प्रॉमिस टू यू, थैंक यू, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, ओके थैंक्स।